मुद्रा है, चाहे वो किसी संघ की हो, मैं दीक्षा छेदन कर लूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा और छुल्लक का बीस बना करके पहुंच जाते हैं उस राजा के पास और कहते हैं, तुम्हारे होते हुए जिसका जिसका पिता दिगंबर आचार्य और जिसका भाई मुनि है, और उसके होते हुए 700 मुनि नगर में विराजमान हैं उद्यान में, और उस राजा के होते हुए और उपसर्ग हो रहा है। तब वह कहते हैं, कुछ नहीं बोले, आँखों से झरझर आंसू बह रहे थे पश्चाताप के, लेकिन वह क्या करता, वचन दे चुका था, वचन तोड़ नहीं सकता था। वह पहुंच जाते हैं जहां पर मुनि का उपसर्ग चल रहा था, वह छुल्लक बटुक का वेश बना लेते हैं, वह मुनिराज बटुक का वेश बना लेते हैं और पहुंच जाते हैं जहां पर चारों मंत्री होम कर रहे थे, धुआं निकाल करके उन मुनियों पर उपसर्ग कर रहे थे। तब वह चारों मंत्री उस बटुक ब्राह्मण को देख करके खुश हो जाते हैं, अरे आज तो बहुत खुशी का दिन है, आज हमारा यज्ञ का अंतिम सातवां दिन है और सातवें दिन यह बटुक आ गया, अब तो हम इसको भिक्षा भी दे देंगे, अपने दान में दान दे देंगे और उसके बाद हमारा यज्ञ भी पूर्ण हो जाएगा। वह बटुक ब्राह्मण पहुँचते ही क्या कहते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो वह भिक्षा में कहता है, आप मांगिए, जो भी मांगना चाहते हैं मांगिए। वह कहते हैं, पहले वचन दो। बोले वचन दिया, बोले ऐसे नहीं, ऐसे तुम मुकर जाओगे, इसलिए क्या करो, जलांजलि लो, पहले लो कि हाँ हम आपको भिक्षा में जो मांगेंगे वो देंगे। वह लेते हैं शपथ, लेते हैं और शपथ लेते ही कह देते हैं, मात्र मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। वह कहते हैं, हे बटुक ब्राह्मण, मांग रहे हो तो क्या मांग रहे हो, एक राजा से जिसने राजपद प्राप्त किया है और उस राजा के पास जाकर के तुम क्या 3 पग, और वो भी तुम्हारे पैरों से, तुम्हारे पैर हैं कितने, अरे कुछ अन्य मांगो। वह बटुक ब्राह्मण कहते हैं, कुछ नहीं, मेरे को तो मात्र 3 पग जमीन चाहिए। वह 3 पग जमीन मांगता है, वह खुशी खुशी दे देता है, और जैसे ही विक्रिया रिद्धि से वह अपने पैरों को नापता है, बढ़ाता है, तो पहला पैर सुमेरु पर्वत पर रखते हैं, और पहला पैर सुमेरु पद पर रख करके और दूसरा पैर मानसत्तर पर्वत पर लगते हैं। 2 पांव में पूरी भूमि नाप ली। अब कहते हैं, तीसरा पैर कहाँ पर रखूं, हे बलि, अब तू बता मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। वह कहता है, राजन आपने तो, हे बटुक ब्राह्मण, तुमने तो मेरे साथ छल किया है, मगर ये बताओ कि अब मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं कंगाल हो गया हूं। तब वह कहते हैं, तुमने मेरे को वचन दिया है, 3 पग भूमि देने का वचन दिया है, अब तीसरी भूमि कहाँ पर रखूं। वह लेट जाता है चरणों में, मन से चारों कसायों से, मन वचन काय से, जो पाप मुझसे हुआ है प्रभु नाथ, वह कारण हुआ वह ताप है, अब मारता हूँ मैं इसे आलोचना निंदादि से, जैसे कि विष को मंत्र तंत्र के क्या करता है, अपने मंत्र के द्वारा निर्विष कर दिया करता है, ऐसे ही वह आलोचना और निंदा आदि करने लगता है, हे प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मात्र मेरी पीठ है, उस पीठ पर आप पैर रख करके आप पूर्ति कर सकते हैं। तब वह मुनिराज बटुक ब्राह्मण क्या करते हैं, उस बटुक के ऊपर पैर नहीं रखते, वह क्षमा मांग लेता है और वह उसको क्षमा दान भी दे दिया करते हैं। मुनिराज का आहार जिस घर में हो जाता है वह स्वर्ग के समान होता है, और जिस घर में आचार्य भगवान लिखते हैं, जिस घर में मुनि का आहार नहीं होता वह तो शमशान के समान। आप बोल रहे होंगे कैसे हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं,
बिल्कुल अभी सिद्ध करते हैं हम। आचार्य भगवान तो ठीक है, हम ही कर देते हैं। आसू भैया सबसे पहले बताओ, अपनी घर में रहते हैं तो ऊपर जाते हैं, ऊपर से मतलब आत्मा निकल जाती, शरीर कहाँ पर रह जाता है? कहाँ, किसके घर में? जमीन पे। स्वयं के घर में, यानी घर में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और जहां मृत्यु प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? शमशान। शमशान घाट तो लोग किसको ले जाते हैं? जिसमें प्राण नहीं होते, मुर्दे को ले जाते हैं और उसे शमशान बोलते हैं। अरे शमशान तो, शमशान तो जिस घर हम रह रहे हैं वह घर शमशान है। उस शमशान की शुद्धि किसी निर्ग्रंथ के चरण जब तक नहीं पड़ते तब तक उसकी शुद्धि नहीं होती। आसू भैया, सचिन भैया, सचिन भैया यह मत सोचना, यह कभी मत कहना कि हम तो जाकर के धर्मशाला में चौका लगा देंगे, हार करा देंगे, किसी के घर जाएंगे और दयाएंगे। आप तो दयाओगे, लेकिन आपका घर जो अपवित्र है, अपवित्र है, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। घर को अगर पवित्र करना है तो आपको दिगंबर गुरु के चरण पड़ना ही होगा। आपको यह नहीं देखना होगा कि यह किस संघ के हैं, किस आमना के हैं, किस परंपरा के हैं। आपको तो पिच्छी कमंडलधारी दिगंबर मुनि दिख जाएं तो यह मानना कि वह मेरे जैन धर्म की जिन शासन की मुद्रा के धारी हैं। वहां भी यही हुआ, वहां भी यही हुआ। उन्होंने 700 का उपसर्ग जब हुआ तो 700 चौके नहीं लगी गिनती, पूरे नगर में चौका लग गया, पूरा नगर में चौका लग गया। और पूरे नगर में क्या बनाया था मालूम है? फिर बाटी नहीं बनाई, क्या मुनिराज आ रहे हैं बाटी बना दो, पूरी नहीं बना के खिलाई, क्या खिलाया था? विवेक होना चाहिए, विवेक, किस समय किस चीज की आवश्यकता है, वही विवेक के क्रिया के द्वारा वही आहार ग्रहण किया कराया जाता है। और वही विवेक वहां पर भी इस्तेमाल किया, उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम 700 ही क्यों लगाएं, पूरा नगर में चौका लग गए और 700 मुनिराज आहार के लिए उठे तो मालूम है क्या हुआ? सिमैया की खीर, क्योंकि गला रुंधा था, धुएं से गला रुंधा था, 7 दिन के उपवास हो गए थे, उपवास के बाद कंठ सूख जाया करता है, अंदर गले से कुछ नीचे जाता नहीं है, उस गले से सिमैयों की खीर चिकनी हुआ करती है, मुलायम हुआ करती है, मुख में जाते ही वह अंदर निकल जाया करती है। इसलिए विवेक से उन्होंने सिमैया की खीर बनाई थी और सिमैया की खीर का आहार कराया था। और आहार के बाद जो खाली चौके गए थे, वह उन्होंने दुख नहीं मनाया था कि मेरा चौका खाली गया, अरे जिस घर में आहार हुए थे उनने उनको भी श्रावक मान लिया था, क्योंकि वहां पर मुनि के चरण पड़ गए थे, वह श्रावक थे, उन श्रावकों को अपने घर ले जा करके आहार कराए थे। और जो भी नहीं कर पाया था, ऐसा भी है कि श्रावक आप स्वयं भी बन जा सकते हैं, कुछ थोड़ी सी चीज, कोई थोड़ी सी एक वस्तु का त्याग कर दो, आप भी श्रावक हैं, आप भी वृत्ति हैं। तो उन्होंने स्वयं आहार जब किया, कोई भी श्रावक को ले जा करके, वृत्ति को ले जा करके और आहार कराया, और आहार कराने के बाद फिर आहार किया, तब कहते हैं जिसकी कसाएं शांत हो गई हों, मन से हो गई हों, वचन से हो गई हों, काय से हो गई हों, हे प्रभु वह जो पाप संसार में भरा है वह पांचों इंद्रियों से मैंने कर दिया है, उसकी मैं आलोचना और निंदा करता हूँ। किस प्रकार? जिस प्रकार की एक मंत्रधारी विषधर के विष को निकाल करके फेंक देता है, उसी तरह यह प्रतिक्रमण है, आलोचना है, निंदा मैं कर रहा हूं, मेरे भी जो पाप हुए हैं कृतकार अनुमोदना से, वह भी विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए, और मैं एक दिन इस सिद्धत्व को प्राप्त हूँ। ऐसे ही भावना के साथ एक दिन आप भी उस सिद्धत्व को प्राप्त हो, इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।